नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज आपको बताऊंगा सिंदूर की खेती के बारे में। जी हाँ, जिस सिंदूर का इस्तेमाल आप मांग भरने के लिए करते हैं, उसे भी पौधों से ही लिया जाता है। इसके पौधे लगाने की आसान सी विधि है, या तो आप नर्सरी से पौधा खरीदिए या फिर आप इसके पौधे की कलम तैयार कर लीजिए और कलम से पौधे को लगा लीजिए। एक बार पौधा लगाने के बाद 3 साल बाद वो पौधा फूल देने लगेगा, फूल देगा, उसके बाद में उसके ऊपर हरे रंग के कुछ ऐसे फल लगेंगे और उसके बाद में इन फलों का रंग जो है वो लाल होना शुरू हो जाएगा। फिर ये फल थोड़े से खुलने शुरू हो जाएंगे और इनके अंदर आपको कुछ बीज दिखाई देंगे। वो बीज जो होते हैं वही होते हैं सिंदूर। उनको आप निकाल कर पीस कर उनका सिंदूर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात कि अगर इसकी खेती के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो जाइए हमारे चैनल पर, ऐसे थंबनेल वाली वीडियो है उसको जाकर देखिए और उसमें आपको विस्तार से इसके बारे में पता चल जाएगा।